बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास। दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शर्मा ने पहला टेस्ट मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीत लिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अब दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया जहाँ पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया और दूसरे टेस्ट मुकाबले में 100, 200, 300 नहीं बल्कि 405 रन अकेले इस बल्लेबाज ने ठोक दिए। रोहित शर्मा ने वो कर दिया जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज न कर पाए। गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर, घातक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह। तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और दूसरे टेस्ट मुकाबले में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे और दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट महज 500 है, इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट जरूर आप लोग कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को यहाँ पर 150-200 रनों के भीतर ढेर कर देंगे और पहले टेस्ट मुकाबले में हमें हार का सामना करना पड़ा और दूसरा टेस्ट मुकाबला हम जीतकर सीरीज में बराबरी पालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे ओवर में एक चौका यहां पर ठोक दिया पहले ही दूसरे ही ओवर की पहली बॉल पर, तो वहीं दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक जायसवाल ने अपने पास रखी और दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। यहां पर यशस्वी जायसवाल ने यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार इन तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तरह बल्लेबाजी करे रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोस्तों तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिए। तो वहीं रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से जायसवाल ने यहां पर 14 रन ठोक दिए। लेकिन दोस्तों 6वें ओवर की दूसरी बॉल पर 48 यानी कि 48 रन ठोक करके जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, यहाँ पर सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सरफराज खान ने पहले टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों के भीतर 108 रन ठोक दिए थे और यहां पर भी सरफराज खान का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सरफराज खान ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। सरफराज खान और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर दूसरे टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश
गेंदबाज और कप्तान को धूल चढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सरफराज खान ने दोस्तों 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिया। तो वहीं 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के 2 चौके सरफराज खान ने फिर ठोक दिए। वहीं 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के यहाँ पर रोहित शर्मा ने ठोक दिए। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम के बल्लेबाज सरफराज खान 52 यानी कि 52 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों सरफराज खान के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो सामने वाली टीम को कब किस टाइम धो दे किसी को नहीं पता। जी हम बात करने वाले टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट कोहली ने दोस्तों 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। तो वहीं दोस्तों 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती 5 छक्के और 1 चौका यहाँ पर विराट कोहली ने ठोक दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव की तरह अब यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के जा रहे थे कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसा क्या है जो इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 22वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के बांग्लादेश के खिलाफ हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिए। रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ एक अपना नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड तय कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान तो वहीं हैरान परेशान थे ही, तो वहीं कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। गौतम गंभीर ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर भी सपना देख रहे हो, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को यहां पर एक काफी बड़ा झटका लगा जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज 118 रन ठोक करके टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली आउट हुए। लेकिन विराट कोहली ने काफी बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में दूसरे टेस्ट मुकाबले के यहां पर आप सभी को बता दें 31वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। लेकिन दोस्तों 32वें ओवर की चौथी बॉल पर 405 रन बनाकर के आउट हुए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया की शान और कप्तान। हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर 32 रन ठोक करके विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आउट हो गए। दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की एक ऐसी जोड़ी है जो तूफानी विस्फोटक तरीके से बड़े दिग्गजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। रिंकू सिंह ने 38वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर अपना नया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा उछल रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि पहला मैंने टेस्ट मुकाबला हम हार गए थे, लेकिन दूसरा
टेस्ट मुकाबला जरूर जीत कर दिखाएंगे। और गेंदबाजी जब यहाँ पर करने का फैसला लिया, यहाँ पर आप सभी को बता दें बांग्लादेश की टीम ने, तो बांग्लादेश की टीम यही सोच रही थी कि 100-200 बना करके पूरी की पूरी भारतीय टीम आउट हो जाएगी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते कोहराम मचा दिया और दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन 600 से ज़्यादा रन ठोक दिए। चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद।